ज्योति सिंह जी का डिमांड है भाई, ज्योति सिंह जी का डिमांड है। क्या क्या हुआ कोर्ट में आपको मैं पूरी बारीकी समझाने वाला हूं। देखो, पवन सिंह जी अक्टूबर के महीने में 2021 में कोर्ट में फाइल करते हैं केस कि मुझे ज्योति सिंह जी से तलाक चाहिए। रीजन क्या था किसी को पता नहीं था। ये चीज भीतरी बहुत दिनों से चल रहा था और ये चीज हमें, लेकिन हम कंफर्म नहीं थे और हम कंफर्म होना भी नहीं चाहते थे क्योंकि किसी का पर्सनल लाइफ है, ज्यादा इंटरफेयर करना हमारा कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन कल पूरी तरीके से उजागर हो गया। अब देखिए, ज्योति सिंह जी का ये डिमांड है कि 2.5 लाख रुपए, एक्चुअली ज्योति सिंह जी ने 2.5 लाख नहीं, कुल मिला के 3,20,000 समथिंग, मतलब 3,25,000 के लगभग में अमाउंट पवन सिंह जी के ऊपर वो डाल रही है। इसका मतलब ये होता है कानूनन तरीके से 3,20,000 जो समथिंग अमाउंट है उसे ज्योति सिंह के मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि ज्योति सिंह जी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ज्योति सिंह जी का जो खर्च है, ज्योति सिंह जी का जो आगे फ्यूचर में परवरिश करने के लिए जो उनका खर्च आएगा, उन्होंने 3,20,000 समथिंग रुपए लगाया है और ये पवन सिंह जी को, ज्योति सिंह जी को देना पड़ेगा। ज्योति सिंह जी ने यह भी कहा है कि पवन सिंह जी बुरी तरीके से मारे हैं उनको, फिर मारने की बात सामने आती है, अक्षरा को भी पीटा और ज्योति सिंह जी को भी पीटा। लड़की पीटने की चीज नहीं है, लड़की पीटने की चीज नहीं है, किसी की बहन हो सकती है, वही लड़की कभी जाके माँ बनती है, आप उसी को पीट रहे हैं। एक बार यानी आप गलती कर दिए, लोग माफ करेंगे, लेकिन बार 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 आप क्या सोचते हैं कि आप पावर स्टार हैं तो दुनिया में आपसे सब डरेगा। पवन सिंह जी सच बता रहे हैं, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन एक पत्नी का सुख नहीं है, एक बेटे का सुख नहीं है। पवन सिंह जी एक बार सोचिएगा जरूर कि आप में क्या गलती आप वो कर रहे हैं। और हम कभी नहीं चाहते हैं, हम यही चाहते थे कि आपका घर घर बसे, आपके भी घर में एक बाबू हो, आपके भी घर में आपका भी परिवार बने, आपके भी घर में खुशियाँ हो और आप भी आगे बढ़िए। ये हमारा दिल से दुआ था, चाहे हम किसी के लिए वीडियो बनाए, हमेशा दिल से हम चाहते थे। लेकिन आज सच बता रहे हैं कि आज हमें ना घुटन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आपका गाना जब भी आता था हम सुनकर लोगों को बोलते भी थे कि गाना आया है, शेयर भी करते थे, लेकिन आज घुटन सा लग रहा है। आज मुझे पता नहीं क्यों ज्योति भाभी कोई मेरी अपनी नहीं लगती है, लेकिन पता नहीं ऐसा अपनापन आ रहा है कि यार उस बंदी पे क्या बीता होगा। 18 का साल था, मार्च का महीना था जब ज्योति भाभी ने आपका हाथ थामा था, जानते हुए भी कि आपके साथ ऐसे तीन के साथ आपने ऐसा किया, तो बंदी ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, लेकिन आपने बंदी के साथ क्या किया, सोचिए पवन सिंह जी, सोचिए। अभी भी सुधार कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, क्योंकि सब आपके हाथ में है। आप बहकावे में ना आइए, फिर से अपना लीजिए और अपनी हस्ती खेलती दुनिया में आगे बढ़िए और भगवान करे कि आप और भी ऊंचाइयां छुए, कि हमें प्राउड फील हो कि पवन सिंह हमारे भोजपुरी का है। लेकिन अगर आप इसे तलाक के रूप में लेते हैं ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका स्टारडम जीरो हो जाएगा, जीरो। आप कहां गिर जाएंगे ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा और भोजपुरी में कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझदार है, समझ गए होंगे।